मुल्तानी फेमिना जहां फैशन वहां, एक ही छत के नीचे विशाल शोरूम, वो सभी ब्रांड जो आपको देते हैं खास पहचान। आबुलेन मेरठ। मेरठ शहर से भाजपा प्रत्याशी कमल दत्त शर्मा के चुनाव प्रचार में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए उनकी धर्मपत्नी रूपा शर्मा भी धुआंधार जनसंपर्क में जुट गई हैं। मंगलवार को जयदेवी नगर प्रीत विहार में घर घर जाकर उन्होंने कमल दत्त शर्मा के पक्ष में मतदान करने की अपील की। इन पलों को फर्स्ट बाइट टीम ने अपने कैमरे में कैद किया है, आइए देखते हैं। इस मौके पर फर्स्ट बाइट संवाददाता शिवानी गौतम ने रूपा शर्मा से यह बात की। रूपा जी, कैसी चल रही है चुनाव की प्रचार की तैयारी? बहुत बढ़िया चल रही है, मजा आ रहा है प्रचार करने में, जोश भरा हुआ है हम सब में देखो, और हम सब इसलिए तैयार हैं, अपने अपने घरों को छोड़ के निकले हुए हैं देश की सेवा के लिए। तो ये पहली बार है जब आप चुनाव प्रचार के लिए? हाँ, मैं पहली बार आई हूँ, क्योंकि मेरे हस्बैंड इस समय खड़े हुए हैं, तो मैं उनका सहयोग करने के लिए, कदम से कदम बढ़ाने के लिए पहली बार ही प्रचार में निकली हूँ। तो अभी तक का आपका अनुभव कैसा रहा है इस प्रचार में? अभी देखो थोड़ा सा ही समय हुआ है, तो थोड़ा सा अनुभव अच्छा भी है बुरा भी है, दोनों ही चीज़ें हैं, पर अच्छा ज़्यादा मिला, पॉजिटिव पॉइंट ज़्यादा है, और मेरी बहनों ने इतनी मेहनत की हुई है पहले से, तो अच्छा ही मिल रहा है। कोई ऐसी खास कठिनाइयाँ आपने देखी अभी तक? खास कठिनाइयाँ थोड़े देखो जो छोटे क्षेत्र हैं उनमें तो थोड़ा सा है ही कठिनाइयाँ, उसके लिए तो हम कुछ कर नहीं सकते, कोशिश कर रहे हैं वो भी हमसे जुड़े, वो भी देश के लिए अपना थोड़ा थोड़ा सहयोग दें, जिससे हम सब आगे बढ़ पाए, हमारा देश आगे बढ़ पाए। कौन से ऐसे लोग हैं जिनको, जिनसे आपको लग रहा है कि इनसे थोड़ा सपोर्ट आपको कम मिल रहा है? देखो ये तो सभी जानते हैं कि हमें थोड़ा दूसरे वर्ग से सपोर्ट कम ही मिलेगा, लेकिन हमारा पूरा प्रयास है, उसमें भी अब काफ़ी पढ़े लिखे लोग आ गए हैं, वो भी जानते हैं कि योगी मोदी जी हमारे देश के लिए और हमारी यूपी के लिए क्या कर रहे हैं, है ना, तो वो भी बढ़ रहे हैं उस चीज़ के लिए। मैं समलेश शर्मा, जो विधायक प्रत्याशी हैं कमल दत्त शर्मा जी, उनकी बड़ी सिस्टर हूँ। तो कैसी चल रही है चुनाव प्रचार की तैयारी? आपको लग रहा है इस बार चुनाव कमल दत्त शर्मा जी जीतने वाले? ये हमारा विश्वास है और हमारा विश्वास मजबूत है, इसलिए ये हमारी विजय होकर रहेगी। तो महिलाओं की तरफ से कितना सपोर्ट मिल रहा है कमल जी को? 90% कम से कम। धन्यवाद। आपका परिचय? मैं रुचि शर्मा जी। तो आपको क्या लगता है कि कमल जी महिलाओं के हित में कितना काम करने वाले हैं? बहुत करने वाले हैं, पहले भी किया है मेरे ख्याल से, और आगे भी करेंगे, और यही हमारा पॉजिटिव पॉइंट है कि महिलाओं के लिए वो करें जी। तो कोई कोई खास मुद्दे हैं महिला सुरक्षा को लेकर जिन पे वो कार्य करने वाले अगर वो इस चुनाव में जीत जाते हैं? हाँ, महिलाओं के लिए जैसे छेड़खानी और चेन स्केचिंग वगैरह, ये सब इतनी बीच में बहुत ज़्यादा रही, तो मुझे लगता है इस पे तो ज़्यादा वर्क करेंगे ही और करना भी चाहिए, क्योंकि यही छेड़खानी तो स्पेशली मेन मुद्दा है। एडवोकेट मीनल गौतम है। तो एक महिला होने के नाते ऐसे कौन से मुद्दे हैं जिनकी वजह से आपका रुझान बीजेपी की तरफ रहा? देखिए, महिला होने के नाते और एक बेटी होने के, इस देश की बेटी होने के नाते मुझे आज गर्व है कि मैं बहुत सुरक्षित महसूस कर रही हूँ इस उत्तर प्रदेश में ही नहीं, भारत में। और महिलाओं की सुरक्षा की जहाँ तक हम बात करते हैं, स्वावलंबन की, सम्मान की बात करते हैं, वो सिर्फ और सिर्फ भाजपा में हमें देखने को मिलता है। यहाँ पर आज स्थिति उत्तर प्रदेश में अगर देखी जाए तो ये है कि महिलाएं निडर होकर घर से बाहर निकल रही हैं, और महिलाओं के सम्मान में किसी भी प्रकार की कोई भी कमी नहीं आ रही है। पूरा विश्वास है आपको कमल जी जीतने वाले हैं इस चुनाव में? पूरा विश्वास है कि कमल, हम जो योगी जी की एक माला बनेगी उनकी सरकार आने में, तो हमें पूर्ण उम्मीद है कि एक मोती हमारे मेरठ शहर विधानसभा से भी जीत कर वहाँ जाएगा और कमल खिलेगा। जैसे कोरोना काल भी चल रहा है, तो कोई खास कठिनाई आपको हो रही है इस प्रचार के लिए?
कोरोना काल चल रहा है, देखिए हम लोग अपने सोशल डिस्टेंसिंग का मैनेज करते हुए हम लोग अपना चुनाव का प्रचार प्रसार कर रहे हैं और कोरोना काल में हमें किसी भी प्रकार की कोई कठिनाइयां नहीं हो रही है, क्योंकि जिस प्रकार योगी सरकार ने काम किया है कोरोना काल में, तो मुझे नहीं लगता है कि हमें किसी भी प्रकार की कोई कठिनाई हो रही है। जनता का रुझान है भाजपा की तरफ और जनता चाहती है कि दोबारा एक बार फिर से योगी सरकार आए। योगी मोदी जिंदाबाद। पायल अग्रवाल, आपको क्या लग रहा है इस बार कमल जी जीतने वाले हैं, आप उनके सपोर्ट में? हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल, भाजपा पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाने वाली है। जैसे कि हम देख रहे हैं कि महिलाओं की तरफ से काफी उन्हें सपोर्ट मिल रहा है, कमल जी की बीवी भी पत्नी भी आई है प्रचार के लिए, तो आपको क्या लगता है कि महिलाओं के कौन से मुद्दे हैं जिन पर वो ज्यादा काम करने वाली, जिनकी वजह से आप उन्हें सपोर्ट दे रही हैं? जो देखिए हमारे व्यक्ति को हम नहीं जितवा रहे हैं, हम पार्टी की तरफ से हैं। तो सबसे पहले जो महिला के आत्मसम्मान से जुड़ा विषय था शौचालय, महिलाओं के दिनों दिन जो प्रक्रिया से गुजरती थी उज्ज्वला योजना, सम्मान सुरक्षा, आपको पता ही होगा पिछले सरकार जो थी उसमें था कि आए दिन लड़कियों के साथ दुराचार की घटनाएं जो आती रहती थी, आज हम रात को 10 बजे भी चार महिलाएं चार दोस्त हम कहीं भी चले जाते हैं। तो ये तीन विषय जो महिला के सुरक्षा सम्मान से जुड़े हुए हैं, उस वजह से मैं भाजपा से जुड़ी हूँ। और जो हमारे प्रत्याशी हैं शहर विधानसभा से, उनका हमें पता है बहुत ही योग्य प्रत्याशी हैं, इसलिए हम उनके साथ हैं। मेरा नाम रुचि गर्ग है और मैं भारतीय जनता पार्टी की महिला मोर्चा की महानगर कोषा अध्यक्ष हूँ। तो जैसे कि देखा जा रहा है कि जो ये सत्य है कि महिलाओं का सपोर्ट भी मिल रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है कि समाज का सपोर्ट मिल रहा है, पूरे शहर विधानसभा उनके साथ है और वो हर हाल में जीते हैं, क्योंकि हमारे माननीय मोदी जी और योगी जी की जो कमाल की जोड़ी है, जो पूरे विदेशों में जो फेमस है, उस जोड़ी ने जो महिलाओं के लिए किया है शायद ही किसी सरकार ने आज तक किया है। महिलाओं के लिए अलग ऐसी योजना है, शिक्षा के क्षेत्र में भी उन्होंने बहुत अच्छा कार्य किया है और उससे ज़्यादा जरूरी सुरक्षा के क्षेत्र में। आज हम अगर रात के 12 बजे भी कहीं भी जा आ सकते हैं या कहीं घूम सकते हैं, तो केवल मोदी जी, माननीय मोदी जी और योगी जी की सरकार में ही घूम सकते हैं। देंगे और हम लोग इतनी मेहनत कर रहे हैं, सबको जगा रहे हैं, खुद तो जगे हुए हैं और सबको जगा रहे हैं कि आपको अपने देश को सुंदर बनाना है, सुरक्षित रखना है, तो आपको भारतीय जनता पार्टी की वोट देना। आपको क्या नाम है? मानसी स्वामी। आपका क्या कहना है इस चुनाव में, कमल दत्त जी जीतने वाले हैं? बिल्कुल 100% जीतेंगे, हमारा पूरा उनके साथ में सहयोग है। इस खबर में फिलहाल इतना ही, आप देखते रहिए फर्स्ट बाइट डॉट टीवी। नमस्कार।